4 के आने वाले धमाकेदार महा एपिसोड में नागरानी मान्यता के कौन से बड़े अतीत के राज का खुलासा होगा और वृंदा पर कौन सी बड़ी मुसीबत आएगी और नागिन 3 के कौन से बड़े रहस्य से पर्दा उठेगा और नागिन 4 में शवानी यानी कि बेला एंड शिवांगी की वापसी होगी या नहीं और महादेव के शिव मंदिर यानी कि लाल टेकरी मंदिर के कौन से बड़े राज का खुलासा होगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बच के बेल आइकन को भी दबा दें और इस खास वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें वरना आप कई सारी जानकारी मिस कर देंगे। नागिन 4 के आने वाले एपिसोड की धमाकेदार शुरुआत आपको नागिन 4 के महा एपिसोड से देखने को मिलेगी और उस महा एपिसोड में कई सारे बड़े राजों से पर्दा उठेगा और साथ ही कई सारे विलन एंड कई सारे नागिनों की वापसी होगी। और लेकिन बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है क्योंकि नागरानी मान्यता का काफी दुखद अतीत दिखाया जाएगा और उस अतीत में खुफिया सूत्रों के अनुसार आपको देखने को मिलेगा कि विशाखा ने नागरानी मान्यता के साथ कैसे दोस्ती की थी और दोस्ती की आड़ में आकर विशाखा ने नागरानी मान्यता को सबसे पहला धोखा कैसे दिया था, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही भोलेनाथ महादेव के शिव मंदिर यानी कि लाल टेकरी मंदिर के बड़े राज के तौर पर मान्यता के उसी अतीत के साथ महादेव के लाल टेकरी मंदिर का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और बड़ा खुलासा ये होगा कि नागरानी मान्यता से एक समय महानागरानी शिवांगी की मुलाकात भी हुई थी और उस मुलाकात में नागरानी मान्यता ने शिवांगी को महादेव के लाल टेकरी मंदिर के राज के बारे में बताया था और क्योंकि शिवांगी और कोई नहीं बल्कि शेष वंश की महानागरानी है और इसी वजह से आपको पता चलेगा कि नागरानी मान्यता के जाने के बाद महादेव के लाल टेकरी मंदिर का राज और किसी को नहीं बल्कि सिर्फ शिवांगी को पता है और उसी राज को राज बनाए रखने के लिए और नागिन के सभी दुश्मनों को जान से हमेशा मारने के लिए महानागरानी नागरानी बेला के साथ नागिन 4 के अंतिम एपिसोड में वापसी करेगी जहाँ पर ये दोनों नागरानियाँ यानी कि शिवांगी एंड बेला नागिन वृंदा की मदद करती हुई नजर आएंगी और धोखेबाज विशाखा से अपना पुराना बदला लेने के लिए नागरानी बेला की जंग विशाखा के साथ देखने को मिलेगी। और आप ये सब नागिन 4 के आखिरी एपिसोड में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और विशाखा के बारे में आपकी राय क्या है और आप यह एपिसोड को देखना चाहते हैं या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।